ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। और देखिए, अभी मानसून का समय है, इसमें आदमी को फुर्सत भी मिलती है, तो कुछ समय प्रभु नाम के अपने अपने जो भी इष्ट गुरु हैं उनके ध्यान में और कुछ समय निकालना चाहिए। मैं आपको सुंदरकांड ये आपको सुना रहा हूँ, जैसा भी मुझसे बनता है। आज इसका भाग प्रथम है। कथा प्रारंभ होते हैं, सुने हूँ वीर हनुमान, राम लखन जानकी कह रहे हूँ सदा कल्याण। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरित मानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभुफणीन्द्र शैव मनीषम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवर भूपाल चूड़ामणिम नान्यास्त्र पहा रघुपते हृदय स्म दिए सत्यम बदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम ग्रगणम सकल गुण निदानम वानराणाम दीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोही परे खेऊ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगिया सीतें देखी
होई काजू मोई है रस विषे सी ये है कही नाई ये है कही नाई से बनी कहूँ माथा चले है रसी ही ये धरी रघुनाथ सिंधु तीर एक भूदर सुंदर कोतुक कुदी चढ़ता ऊपर बार बार रघुबीर संभारी तर के पवन तनय बलवारी जेई गिर चरण देई हनुमंता चले उसोगा पाताल तुरंता जिमि अमोद रघुपति कर बाना एही भांति चले उ हनुमाना जल निधि रघुपति दूत बिचारी ते मैं नाक होई श्रम हारी हनुमान ते ही परसान कर पुनि कीन प्रणाम राम काजू कीने बिनु मोहि कहाँ विसराम जाते पवन सुत देव ने देखा जाने कहूँ बल बुद्धि विशेष सुरसा नाम ऐन के माता पटगिनी आई कही ते ही बात आज सुरन मोहि दीन आहारा खुश हो गई सुसा खुश हो गई आज सुरन मोहि दीन आहारा सुनत वचन कह पवन कुमारा राम काजू करी फिरी में आऊं सीता कहीं सुदी प्रभु ही सुनाऊं तब तब बदन पैठी आई सत्य कहूँ मोही जान दे माई कब ने जतन दे नहीं जान ग्रस सीना मोई कहे हनु मान जो जन भरी ते ही बदन पसारा कपि तनु कीन दुगुन विसतारा सो रहे जो जन मुख ते ठेऊ तुरंत पवन
न सूत बतीसे भऊ। जस जस सूर सा जस जस सूर सा बदन बढ़ावा तासु दून कपिरु पे देखा सत्य जो जन तैयानन कीना अति लघु रूप पवन सुत दीना बदन पैट पुनि बाहर आवा मांगा बिदा ताई सिरुनावा मोई सुरन तेई लागी पठावा बुद्धि बल मरुम तोर में पावा। बोलो श्री हनुमान जी महाराज से कल भाग दूसरा आपको सुनाएंगे। थैंक यू।